सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सट्टेबाजी ऐप महादेव के मालिक सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से जारी इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराए जाने के बाद चंद्राकर पर यह एक्शन लिया गया है। सूत्रों ने बताया कि सौरभ को एक सप्ताह में भारत लाया जा सकता है। चंद्राकरण पर ऐप के जरिए लाखों लोगों से अरबों की ठगी का आरोप ईडी ने लगाया है। चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद पूरे नेटवर्क के सारे राज सामने आ सकते हैं। ईडी ने अब तक इस मामले में कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि अपराध की अनुमानित आय लगभग 6,000 करोड़ रुपए है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी पिछले एक साल से भी अधिक समय से महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केसों की जांच कर रहा है। यह मामला कांग्रेस सरकार के दौरान सामने आए थे। आखिर सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हो गए। इसे कहते हैं विष्णुदेव साय का सुशासन, डबल इंजन की सरकार। अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो। सौरभ चंद्राकर दुबई से गिरफ्तार हो गए। हम बार बार आरोप लगाते थे जब हम विपक्ष में थे, कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार थी, उस समय महादेव सट्टा ऐप का उदय हुआ, फला फूला और वट वृक्ष बन गया। हम कहते थे कि इसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है, परंतु भूपेश बघेल जी 4 साल में जिसे पकड़ नहीं पाए। माननीय विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार ने 10 महीने के अंदर सलाखों के पीछे भेज दिया। फिर से कह रहे हैं छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया, किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, चाहे कोई भी हो और चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो।